छिद्रा में आतंकियों से मुठभेड़। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। इसके साथ ही ट्रक से आए आतंकी एक घर में छिपे थे, ये जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये सफलता मिली है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं जहां मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि ये जो मुठभेड़ है वो सिद्रा इलाके में हुई। पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ की और इस दौरान आपको बता दें कि 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। ट्रक से ये आतंकी एक घर में छिपे थे, ये जानकारी मिली, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है कि कहीं कोई और आतंकी तो घर पे नहीं छुपे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि 3 आतंकी ढेर हो गए हैं, मार गिराया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। दरअसल सिद्रा में ये जानकारी मिली थी कि एक घर में ये आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद घेराबंदी की गई सुरक्षा बलों द्वारा और उसके बाद मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ट्रक से ये आतंकी एक घर में छिपे थे, ट्रक से आए थे और उसके चलते आपको बता दें कि जैसे ही सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिली, घेराबंदी कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि ये बड़ी सफलता है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सिद्रा में मुठभेड़ हुई है, इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किया और सिद्रा नाके पे इसको रोका गया। जो ड्राइवर था ये उतर के नेचर सेंस कॉल के बहाने में भाग खड़ा हुआ और जब तलाशी शुरू हुई ट्रक की तो एनकाउंटर शुरू हुआ। उधर से हम पे फायर आया, काफ़ी भारी मात्रा में लगता है कि इनके पास असला मिशन था और उसकी जवाबी कार्रवाई में इन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। आतंकियों की एग्जैक्ट तादाद अभी नहीं बताई जा सकती, जब तलाशी हो जाएगी तब बताई जा सकती। लग रहा है सर कि नया ग्रुप होगा? हो सकता है, ये जांच की बात है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये नया ग्रुप था या पुराना ग्रुप था। सर एक चीज, 26 जनवरी आने वाली है, नया साल है, लगता है कि इस ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं मंशा थी यहाँ पर दहलाने की? मंशा क्या थी ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन ये है कि इन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो संजीव शर्मा जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। चलो जानकारियों से ले लेते हैं अभी क्या कुछ माहौल, क्योंकि लगातार सर्चिंग ऑपरेशन भी जारी है और 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। क्या कुछ अभी रीसेंट जानकारी मिल रही है? आपको बता दूं कि जम्मू का शिंदा इलाका है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेना और सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जो रात के समय में एक ट्रक को जो संदिग्ध गतिविधियों में देखा गया और वहां पर जब हमारी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को कुछ इनपुट मिले, उसके बाद उसको जब रोका गया तो आतंकवादियों ने हमारे सेना के जवानों के ऊपर जो गोलाबारी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से इनकाउंटर शुरू हुआ और उसके बाद जो हमारी सेना ने जल्द से जल्द इन 3 आतंकवादियों को मार गिराया। बिल्कुल सजीव, क्या और किसी आतंकी के छुपे होने की कोई सूचना है? सुरक्षा बलों से क्या बात हुई है, क्या किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो 3 आतंकवादी थे वे मारे गए हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर थे वो दोनों अभी लापता हैं। उनकी जो जांच की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनके मंसूबे जो इनके मंसूबे थे उनका पता लगाया जाए कि क्या करना था। बिल्कुल संजीव, देखिए सिद्रा में ये मुठभेड़ हुई है जहां सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई। एक बार ये एरिया बताइए, किस तरीके का सिद्रा ये एरिया है और यहाँ पर क्या आए दिन इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिलती है आतंकियों की? सुबह कोहरा होता है, धूंध बहुत होती है और काफी गाड़ियों और जंगल वाला इलाका है और ये आतंकवादी इस इलाके का घुसना चाहते थे। अब पता नहीं चल पा रहा है, जब भी जांच होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि आतंकवादियों के क्या मंसूबे थे। बिल्कुल, और इन आतंकियों के इनपुट कैसे मिले, क्योंकि बताया जा रहा था कि ट्रक में सवार होकर आए थे, क्या किसी ने उस समय पकड़ा नहीं वो ट्रक, तलाशी नहीं ली गई, जिसके चलते एक घर में और जिस घर में वो पनाह ले रहे थे वो किसका घर था, क्या इस बारे में कोई जानकारी? जी जी बिल्कुल, ये सेना को जब जानकारी मिली तो इस ट्रक में जो आतंकवादी ट्रक में सवार थे और जो उसी समय जो इनकाउंटर जहां पर जारी हो गया, इनकाउंटर शुरू हुआ, ये छुपने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमारी सेना के साथ जो आई कांटेक्ट हुआ उसके बाद
दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हुई, जिसके बाद सेना ने इन आतंकवादियों को मार गिराया। बिल्कुल, ये मुठभेड़ कितने समय तक चली? सुबह सात बजे से लगातार जो इनकाउंटर अब तक जारी रहा, और कुछ देर पहले हमारे सेना के जवानों, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों ने इन आतंकवादियों को मार गिराया। बिल्कुल, और अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या छावनी में तब्दील कर दिया गया है सर्चिंग ऑपरेशन, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, और क्या किसी को, मतलब इस मुठभेड़ के दौरान कोई घायल तो नहीं हुआ, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, इस इलाके को बिल्कुल घेराबंदी कर दी गई है, और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। यहाँ पर जो सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि अगर इनके अलावा कोई और भी है या नहीं है, लेकिन उसके बाद जो एडीजीपी मुकेश जी ने ये क्लियर कर दिया है कि ये तीन आतंकवादी थे जिनको मार गिराया है, और ट्रक ड्राइवर जो अभी यहाँ से फरार है उनको भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, आप ही नजर बनाए रखिएगा। संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।